धालीवाल बदसलूकी केस में कार्रवाई की गई है और विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। विभव कुमार को कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस और विभव कुमार की रिमांड भी मांग सकती है दिल्ली पुलिस। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का भी आरोप है और इस पूरे मामले में लगातार जो है तमाम अपडेट्स भी आ रही हैं। तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि विभव कुमार के वकील का यह कहना है कि हमने आश्वासन दिया था कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे इस जांच में, बावजूद इसके गिरफ्तार किया गया है और अब रिमांड भी मांग सकती है पुलिस विभव कुमार की। बदसलूकी का आरोप विभव कुमार के ऊपर है, लेकिन ये भी बता दें कि जो पीए हैं अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार, उन्होंने भी स्वाति मालीवाल पर केस दर्ज किया है और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि जबरन वो सीएम हाउस में घुसी है और उन्होंने बदसलूकी की है, धमकाया है। हालांकि अब इस मामले में क्या मोड़ आने वाला है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन गिरफ्तार भी कर लिया गया है विभव कुमार को। अब आगे की जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा कि आखिर किस ओर ये पूरा मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के शहजाद पूनेवाला ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा अब स्वाति मालीवाल मामले में महाभारत के किरदारों की एंट्री हो गई है। द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। तो ANI को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है और इसकी विश्वसनीयता शून्य नहीं, माइनस में है। आज अरविंद केजरीवाल देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने हर तरह से बेनकाब हो चुके हैं। अगर ये साजिश भाजपा ने रची है तो आप क्यों चुप हैं? आपको कौन रोक रहा है? ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और कोई भी आरोप लगा सकते हैं। जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर ये पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं, माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो, में हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपके, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं, आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है, ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी का की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। निर्मला सीतारमण ने दिल्ली मेट्रो में लक्ष्मी नगर तक की यात्रा की और मेट्रो में सवार यात्रियों से बातचीत की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण की, जब उन्होंने मेट्रो में ट्रैवल किया और फिर उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। छोटे से बच्चे से बात करती हुई नजर आ रही है निर्मला सीतारमण। तो लक्ष्मी नगर तक उन्होंने सफर किया निर्मला सीतारमण ने, फाइनेंस मिनिस्टर, दिल्ली मेट्रो में लक्ष्मी नगर तक उन्होंने यात्रा की है। और आप देख सकते हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ निर्मला सीतारमण का ये नेचर जो है वो नज़र आ रहा है। एक तो मेट्रो में उन्होंने ट्रैवल किया और उसके बाद वो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से बातचीत करती हुई नज़र आ रही हैं और उसे थोड़ा मजाकिया अंदाज में उससे बात करती हुई नज़र आ रही हैं निर्मला सीतारमण। दिल्ली मेट्रो की तस्वीर दिखा रही हैं आपको, दिल्ली मेट्रो में ही लक्ष्मी नगर तक निर्मला सीतारमण ने यात्रा की और यात्रा कर यात्रियों से तो बात की ही, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उससे भी मजाकिया अंदाज में वो बात करती नजर आई। चलिए फिर एक बार रुक करते हैं सीएम आवास से। स्वाति मालीवाल का नया वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में सीएम आवास से स्वाति मालीवाल को बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं सुरक्षाकर्मी। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने यह वीडियो जारी किया है। जारी नया वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है, आप भी देखिए। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस का सच क्या है? क्या वाकई स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है? क्या सीएम हाउस में विभव ने स्वाति के साथ मारपीट की? इन तमाम सवालों के जवाब स्वाति मालीवाल के इस मेडिकल रिपोर्ट में है। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति की दाहिनी आंख के नीचे चोट के निशान है। स्वाति के बाएं पैर में भी चोट के निशान मिले हैं और स्वाति के दाहिने गाल पर चोट के निशान हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से 13 मई का जो वीडियो सामने आया है उसमें स्वाति मालीवाल को साफ साफ देखा जा सकता है। वीडियो में सीएम हाउस की सिक्योरिटी में तैनात एक महिला स्वाति का हाथ पकड़कर उन्हें सीएम हाउस से बाहर लाती दिखाई दे रही है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 13 मई का जो वीडियो है उसमें स्वाति ठीक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब मेडिकल के लिए गई तो लड़खड़ा कर चलती हुई दिखाई दी। सौरभ भारद्वाज ने स्वाति के इस दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए। वहीं आतिशी ने स्वाति पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। 13 तारीख का एक वीडियो आया है जिसके अंदर सुरक्षा कर्मियों ने उनको सीएम साहब के घर के बाहर छोड़ा, उसके अंदर वो ठीक ठाक दिख रही हैं, ठीक ठाक चल फिर रही हैं। 13 तारीख को जब उनके द्वारा कथित बात में इतना मार पिटाई करने के बाद तो वो ठीक ठाक चल रही हैं, और कल 17 तारीख को 4 दिन बाद जो उन्होंने मेडिकल कराने गई और 164 का बयान दर्ज कराने कोर्ट गई, उसके अंदर वो इतना आराम आराम से लंगड़ा के चल रही हैं जैसे कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। ये विरोधाभास है। इन दोनों वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल केस में अब आम आदमी पार्टी अब अपनी ही सांसद पर सवाल उठाने में जुटी है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी का की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं।
और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इनकी इतनी इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री का सांत्री हो, ये अधिकार तो नहीं है कोई महिला पे अत्याचार करे, कोई महिला पे अन्याय बर्ताव करे, चाहे वो महिला एमपी ना भी रहे, एमएलए ना भी रहे, महिला तो महिला होते हैं। कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरीके की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में आम आदमी पार्टी घिरती दिखाई दे रही है। लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, महिला सांसद के साथ खड़े रहने की जगह अब आम आदमी पार्टी अपनी ही नेता को बीजेपी का एजेंट साबित करने में जुट गई है। तो स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में लगातार नए वीडियोस आ रहे हैं, स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन इन सब के बीच विभव कुमार ने बड़ा दावा किया। विभव का कहना है कि स्वाति ने न केवल सीएम हाउस की सिक्योरिटी में सेंध लगाई बल्कि हंगामा भी किया और देख लेने की धमकी भी दी। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में नया मोड़, स्वाति के बाद विभव कुमार के गंभीर आरोप। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में दिलचस्प मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए ने आरोप लगाया कि स्वाति ने जबरदस्ती और अनाधिकृत रूप से मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया। उन्होंने न केवल सीएम आवास की सुरक्षा में सेंध लगाई बल्कि हंगामा भी किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर देख लेने की बात करने का आरोप भी लगाया। विभव कुमार ने पुलिस को जो ईमेल भेजा है उसमें लिखा गया है कि जब स्वाति से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। विभव कुमार के मुताबिक स्वाति ने कहा कि तुम्हारी औकात कैसे हुई एक एमपी को रोकने की, तुम्हारी औकात क्या है। इसके साथ ही विभव कुमार ने स्वाति पर देख लेने और झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। विभव कुमार की ईमेल के मुताबिक स्वाति ने कहा कि मैं तुझे देख लूंगी और मैं तुझे ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगी कि तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद विभव कुमार ने पुलिस को भेजे गए ईमेल में बदसलूकी केस में दिलचस्प मोड़ आ गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे कि वो सीएम से मिलने गई थी, जिस पर विभव कुमार का आरोप है कि स्वाति ने जबरन सीएम हाउस में प्रवेश किया। स्वाति का आरोप है कि विभव ने उनके साथ मारपीट की, जबकि विभव का कहना है कि स्वाति ने सीएम हाउस में हंगामा किया। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारे, जबकि विभव का कहना है कि स्वाति ने उन्हें देख लेने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। हालांकि अब विभव ने भी दिल्ली पुलिस को शिकायती ईमेल भेजा है, जिसके बाद जांच में नया मोड़ आ गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।